मैं हूं मुनीफ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं तेजस खबर। अब हम भारत विभाजन के मुख्य किरदार, मुख्य खलनायक जिन्ना की बात करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म आज के गुजरात के काठियावाड़ जिले के पनेली गांव में हुआ था। उसके पिता का नाम जिन्ना भाई पुंजा था तथा उसके दादा का नाम पुंजा था। उसका जन्म 1876 में क्रिसमस के दिन पनेली गाँव में हुआ था। जिन्ना का परिवार व्यवसायी था और मछली का व्यापार करता था। अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा कि जिन्ना के माता पिता ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वे कराची चले गए। बताया जाता है कि जिन्ना बैफ जात से ताल्लुक रखता था, यद्यपि उसकी बहन फातिमा ने अपने आप को राजपूत बताया। बताया जाता है कि जिन्ना के परिवार ने इस्लाम इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि हिंदू लोग उसका मछली के व्यापार के कारण से विरोध कर रहे थे और उसका बहिष्कार कर रहे थे। लिहाजा जिन्ना का परिवार गुजरात छोड़ करके कराची में बस गया और वहीं व्यापार करने लगा। जिन्ना का जन्म भी 1876 में कराची में ही हुआ था। जिन्ना की युवावस्था में पनेली गांव से थोड़ी ही दूर धुआं गांव की एक 11 वर्षीय लड़की मीठी बाई से उसकी पहली शादी हुई थी। जिन्ना युवावस्था में वकालत के लिए ब्रिटेन चला जाता है। वहाँ वह वकालत की पढ़ाई पूरी करता है। इसके बाद में वह भारत में आ जाता है और वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जिन्ना ने भारत में आकर के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। प्रारंभ में वो जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल पक्षधर था। सरोजिनी नायडू जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत बताती थी। यहाँ तक कि जिन्ना ने खिलाफत को असहयोग आंदोलन में जोड़ने का विरोध किया था। इधर कांग्रेस में गांधी युग शुरू हो चुका था और नेहरू और गांधी के इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति घूम रही थी। लिहाजा जिन्ना को कांग्रेस में अपना ज़्यादा भविष्य नहीं दिखा और उसने कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब उसने देखा कि भारतीय राजनीति में मुस्लिम लीग का भी ज़्यादा महत्व नहीं है तो वह भारत से राजनीति छोड़ करके इंग्लैंड चला गया और वहीं वकालत करने लगा। लेकिन ब्रिटेन में ही जिन्ना की मुलाकात मुस्लिम लीग के बड़े नेता लियाकत अली खां से होती है। लियाकत ने जिन्ना को ऑफर किया कि वह मुस्लिम लीग का नेतृत्व तो संभालें और मुसलमानों के विकास संवर्धन और उनके धार्मिक विकास के लिए कार्य करें। पहले जिन्ना ने नानुकुर किया लेकिन वह बाद में मान गया और उसने लियाकत अली खां की बात मान ली और मुस्लिम लीग का नेतृत्व तो स्वीकार करने के लिए राजी हो गया। जिन्ना भारत लौटकर 1936 में आया और वह मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बन गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनने के साथ ही उसने सांप्रदायिक राजनीति को अख्तियार कर लिया और उसी एजेंडे पर चल गया। अनायास हिंदुओं का विरोध, हिंदू परंपराओं का विरोध उसने अपना लिया। जगह जगह मुस्लिमों को उकसाने वाले सांप्रदायिक भाषण देने लगा। इधर मोहम्मद इकबाल, जिसने सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था, वह भी सांप्रदायिक बन गया था। 1930 के इलाहाबाद के मुस्लिम लीग के सम्मेलन में वह अध्यक्ष था और उसने इलाहाबाद के सम्मेलन में ही उसने सभी मुस्लिम राज्यों का एक अलग राज्य बनाने की मांग की थी। यद्यपि पाकिस्तान के रूप में अलग देश की मांग कैम्ब्रिज के स्नातक रहमत अली ने की थी। इस तरह हमने देखा कि जो पढ़े लिखे लोग थे, चाहे मोहम्मद इकबाल हो, चाहे रहमत अली हो और चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, इन्होंने ही सांप्रदायिकता का राग अलापा और सांप्रदायिकता की ओर मुस्लिम समाज को झोंक दिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे और हम चर्चा करेंगे किस तरीके से भारत विभाजन का मार्ग तय हुआ, इसका विश्लेषण हम आगे के एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।